आप देख रहे हैं निशमिका सेल्फ यूनिक। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं अपने होम टाउन में था और थोड़े बहुत बिजी शेड्यूल में था। अब फिर से वापस आ गया हूं अपने कर्म क्षेत्र में। आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना है गाइस। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी जस्ट एग्जाम देके कंप्लीट किए होंगे या फिर जिनका जस्ट एग्जाम फाइनल होने वाला होगा। इस बीच में आप सबको याद होगा, जो सीनियर्स लोग होंगे उनको याद होगा कि बहुत ढेर सारे फेक कॉल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? फेक कॉल आने लगते हैं। उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन जस्ट इंजीनियरिंग पास आउट हो रहा है, कौन जस्ट पास आउट होने वाला है, कौन जस्ट हुआ है, अभी जॉब पे नहीं लगा है। और दिस इज द वीकनेस जो वो लोग पकड़ते हैं और इस तरीके से आपके साथ ऐसे फेक हो जाता है कि आपको बाद में पता चलता है यार ये तो बहुत गलत हो गया। क्या होता है, कई लोग कॉल करेंगे आपको, बोलेंगे इस कंपनी में इंटरव्यू करा देंगे, इस कंपनी में इंटरव्यू करा देंगे, इस कंपनी में इंटरव्यू करा देंगे, इस प्राइस पॉइंट पे, मीन्स इतना आप पे करोगे वहां पर हम पे करेंगे और इस तरीके से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कुछ लोग तो कॉल पे टेलीफोनिक भी ले लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि वो लोग इंटरव्यू का पैनल भी बैठा लेते हैं कहीं एक जगह पर, किराए पर एक कमरा लेके, और वहां पर जबरदस्ती फेक इंटरव्यू भी लेके चले जाते हैं और इस तरीके से आपसे बहुत मोटा अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, यहां तक कि मैंने देखा है 50,000 तक लोग जॉब के नाम पे ठग लेते हैं। और दैट इज टोटली फेक। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी खुद से बेरोजगार हैं, तो वो कुछ लोगों के नंबर्स निकाल के इस तरीके से फोन पे ही फेक वर्क करते हैं और बहुत ढेर सारा चांसेस रहता है कि वो सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे भी जस्ट इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं, उनको मार्केट के बारे में नहीं पता होता है। जैसे उनको बोला जाता है 3 लाख का पैकेज दिला देंगे, 6 लाख पैकेज दिला देंगे, 8 लाख का पैकेज दिला देंगे, 12 लाख का पैकेज आप इतना पे करोगे तो ये इंटरव्यू करा देंगे, तो उनको लगता है इतने लोग कॉल कर रहे हैं कुछ तो हकीकत होगी। मैंने बहुत से बच्चों को देखा हुआ कि हमारा तो डेली इंटरेक्शन होता रहता है, वो पे कर देते हैं और पे करने के बाद ही वो अपना रुतबा बदल देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, आप तो अपने घर से प्रॉमिस कर लिए कि भाई जॉब लग रही है तो पैसे दे देते हैं घर वाले, और उसके बाद में पता चलता है कि ये तो न घर के हुए न घाट के हुए। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कंसल्टेंसी, ठीक है, जॉब के नाम पे आपसे पैसे मांग रही है, ठीक, हमारे यहाँ बड़ी कंसल्टेंसी है जॉब्स गाइड, आप सबको पता है आज तक किसी से 1 भी रुपया लिया नहीं गया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट बताते हैं भाई यहाँ यहाँ पर ओपनिंग चल रही है। हमारे गुरुकुल में जो आता है हर कोई लगभग सेलेक्ट हो जाता है। मैं कभी किसी को रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं जस्ट बताता हूँ कि यार यहाँ ओपनिंग्स है। ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा रेपुटेशन है, उसके वजह से भी थोड़ी होती होगी, बट ज्यादातर जो मैं क्रेडिट देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तैयारी किया, उसके बेस पर उन्होंने इंटरव्यू को क्रैक किया। दिस इज द वे टू क्रैक एनी इंटरव्यू। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी मैं किसी से कंपनी के क्या बोलते हैं आपसे पैसे लेके किसी कंपनी से बात करूं फिर उसके बाद पैसे पे करूं, ये पूरी तरीके से फेक है। और एक और फेक वर्क हो रहा है जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुछ ऐसे बड़े बड़े मार्केटिंग के लोग हैं जिनका 8 लाख 10 लाख का पैकेज जो कंपनी से ले रहे हैं, वो बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। कैसे प्रॉमिस करते हैं गाइस, वो प्रॉमिस करते हैं कि आपका 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का पैकेज रहेगा, और सॉरी 5 लाख की फीस रहेगी, 2.5 लाख की फीस रहेगी आपकी, इस फीस में आप इतने दिन ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी में आपका इंटरव्यू करवा देंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सबको पता है किस तरीके के फेक प्रॉमिस बहुत ढेर सारे हो रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो उस उन 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख के प्रॉमिसेस को अंजाम दे चुके हैं, मतलब वो पैसे दे चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी अभी भी वो जॉब के लिए परेशान है। क्यों? क्योंकि जॉब हमेशा आपका नॉलेज दिलाता है। कभी कोई इंसान कैसे दिला, मेरी कंपनी में कोई एक बच्चा है जो बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और कोई बोले कि इसको रख लो, तो मैं किस फेस पे रख लूंगा यार? ठीक है, कोई चांस ही नहीं किसी के खाने पे मैं रखूं। मैं प्रॉपर इंटरव्यू लूंगा, मुझे कैंडिडेट में अगर वो पावर दिखेगा जो मुझे चाहिए तो डेफिनेटली मैं उनके बिना कहे, क्योंकि इसमें तो मेरा बेनिफिट होने वाला है ना। अगर मैं किसी को 20,000 रुपए दे सैलरी दे रहा हूं तो ये फिक्स है कि मैं उसे कम से कम 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूं, तो ये तो मेरा प्रॉफिट है, तो मैं कैसे उनसे क्या बोलते हैं बोल सकता हूं कि नहीं नहीं आपके कहने पे लूंगा। मुझे तो अच्छा कैंडिडेट हर किसी को चाहिए होता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस ट्रैप में न फंसे, दोनों ट्रैप में न फंसे। पहला ट्रैप क्या है, पहला ट्रैप ये है कि भाई 5,000 दें 8,000 दें 10,000 दें आपका इस कंपनी में इंटरव्यू करवा देंगे, दैट इज टोटली फेक। मैं चाहूंगा इस वीडियो को सर्कुलेट करें। क्यों सर्कुलेट करें? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा जो आपके पहचान का है न फंसे इस ट्रैप में, ठीक है, उसके पास अगर ये वीडियो रहेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ सर ने बोला था कि इस तरीके का ट्रैप होता है, और एक कॉल आ रहा है, मतलब ये ट्रैप ही है। ठीक है, उनके मजे लीजिए खूब, ठीक है, मजे कैसे लेते हैं आप सबको पता है, ठीक है, खूब इंजॉय करिए, उनके पैसे मत पे करिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और दूसरा ट्रैप जो बताया मैंने, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए शिक्षा के लिए, देखो कुछ ना कुछ भुगतान तो करना पड़ता है,
हम भी गुरुकुल में कुछ ना कुछ फी चार्ज करते, बट दैट इज व्हाट दैट इज मींस एजुकेशन के लिए। एजुकेशन मींस उतना ही होना चाहिए, दाल में नमक, ठीक है, हमारा भी अपना पेट चलता रहे और आपको भी हम शिक्षा प्रोवाइड करते रहे। आई थिंक दैट इज द वे, बेस्ट वे कि क्या बोलते हैं एजुकेशन को चलाया जाए ना, कि 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए का ट्रैप बना के और उनको लोन दिला के, लोन को पैसे भरे और जॉब मिले ना, वो ईएमआई के लिए परेशान हो, बाद में पता चला कोई घर बेच रहा, कोई खेत बेच रहा, इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए इस वीडियो को सर्कुलेट करिए। साथ ही साथ जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो ध्यान दें कि अगर आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, स्किल्स क्या होती है, आज के टाइम में बहुत ढेर सारी स्किल्स मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, ऑटो कैड है, स्टेप टू है, ईटीएफ से रेविट है, रेविट आर्टिस्ट स्ट्रक्चर एमईपी है, टेक्ला है, नेविस वर्क है, एसपीएस 2 है, अलूमियन है, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मार्केट में इस समय स्किल के रूप में है। अगर किसी स्किल्स को आप पहले फोकस करते हो, अगर इंजीनियरिंग करके निकले हो तो किसी स्किल्स पर फोकस करो, और स्किल्स पर फोकस करके अगर मार्केट में जाओगे तो फिक्स है क्या कि आपको 10 में से 1 जगह रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। कल मुझे एक बच्चे ने कॉल किया कि सर मैंने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री के फाइनल ईयर में मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास स्किल्स कौन कौन सी है, उसने बोला सर यही तो प्रॉब्लम है। मैंने बोला यही सच में प्रॉब्लम है कि अगर स्किल्स नहीं है तो आज के टाइम में आपका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाता है। स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है गाइस। तो स्किल्स कैसे सीखेंगे, आप सबको पता है कि आप आज के टाइम बहुत अच्छे से यूट्यूब पे आप स्किल्स सीख सकते हैं। यूट्यूब पे नहीं सीखना है तो हमारे से कुछ पर्सनल टीचर्स हैं जिनको आप कॉन्टेक्ट करके जिनसे पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के ट्रैप में फिर से मत फंस जाना, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको नहीं पढ़ाता गाइस, तब कौन पढ़ाता है, ट्रेनर पढ़ाते हैं आपको। जो ट्रेनर पढ़ा रहे हैं क्या उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास वो लगन है पढ़ाने के लिए, उस चीज को देखो, उस चीज के बेसिस पर डिसाइड करो, आप कहीं पे भी सीखो, ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आप कहीं से भी सीखो, बट कहीं से भी सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है ना, जिसको जो दिल लगा के पढ़ाता है ना, जो दिल लगा के डेडिकेट होकर पढ़ाता है, उसी की चीजें समझ में आती है, ठीक है। इसको बाजारीकरण इसका बहुत रूप से संभव नहीं है, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं मैं पढ़ाते समय ये सोचूं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, मैं कभी नहीं पढ़ा सकता। When we just teach, we forget everything. घर में क्या टेंशन चल रही है कुछ पता नहीं है, घर में क्या हैप्पीनेस चल रही है कुछ पता नहीं है, लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, because at that time we are doing our hobbies, ठीक है, क्या टीचिंग। तो इस तरीके से अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले किसी ट्रेनर के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन में भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आज के टाइम आप कहीं पर भी सीखिए, बट किससे सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा वेरिफिकेशन करिए, कौन सिखा रहे हैं, कितने दिन से सिखा रहे हैं, क्या नॉलेज उनके पास, कितना इंडस्ट्री एक्सपोजर है, सब कुछ अपडेट रखिए, तब जाके आप स्किल्स को सीखिए। और स्किल्स को सीखने के बाद एक बढ़िया सा रिज्यूम, अच्छा सा पोर्टफोलियो, अगर आपको देखना है कि कहां पर मिलता है तो अपना यूनिक सिविल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक यहां पर भी दिला देंगे। तो अच्छा सा अपना क्या करिए, स्किल्स क्या वहां से आप सीखिए, और सीखने के बाद अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, मुझे कैसे पता कि मैं कैसे 2 मिनट में जज कर लूं कि आप बेहतरीन है या फिर बेस्ट है या फिर बहुत एक्सीलेंट है। ये पता चलेगा आपके काम से, आपका काम कहां दिखेगा, आपके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो का पूरा मैं आपको सैंपल्स यूनिक्स सिविल ऐप में है, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर लीजिए फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो देखिए अच्छा लोगों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है, वो लोग पोर्टफोलियो पूरा बनाते हैं, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद हम लोग उनके पोर्टफोलियो को अपलोड भी करते हैं। कुछ आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कुछ ऐप पर भी है। तो उस तरीके से पोर्टफोलियो बना के तब आप इंटरव्यू में जाइए ना, तब आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, Why should I hire you? क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किल है जो मेरे को जरूरत है, इसलिए हम तुमको रखेंगे, ठीक है। जब स्किल्स नहीं है तो कौन रखेगा। और उसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बात को ही ना रख पाए, आपको बहुत नॉलेज है, ठीक है, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं आपके सामने रख ही ना पाऊं तो किस बात का वो नॉलेज है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नेग्लेक्ट। खासतौर से अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पूरे हिंदी एजुकेशन ही है, और एक बोले तो ऑल ओवर इंडिया में ही मैंने देखा है कि ज्यादातर लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, नेटिव लैंग्वेज में ही एजुकेशन होता है। उस केसेस में क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन बहुत वीक पड़ जाती है, और इंटरव्यू में एचआर या फिर एचआर बोली या फिर जो भी बोली है, वो लोग भले उनको कुछ ना आए लेकिन उनको कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, तो वो हमारे सामने हावी हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप कम्युनिकेशन भी सीखिए। कम्युनिकेशन के हम लोग बैचेस चलाते हैं, कुछ बहुत नॉमिनल फी में, 1000 पर मंथ की फी में आप लोग को एजुकेशन मिल जाता है कम्युनिकेशन का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका मन करे तो उसको भी वॉच कर लेना। आप देखो सबसे बड़ी चीज है कि यहां तक फोकस, आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे यार
थक गए इतना ज्यादा, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट वीडियो ना बहुत बुरा हाल कर रहे हैं हम लोगों का, और भविष्य में हम लोग संतुलित रहे अपने दिमाग के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जय हिंद जय भारत।